यहाँ देख रहे मेरे पीछे आप, निचली टहनियों में बिल्कुल ही पतझड़ हो चुका है। ऐसी टहनियों में ना साइज बनता है ना क्वालिटी का फ्रूट बन पाता है, और फ्रूट भी सेट हो गया इसमें साइज 06 लेयर में भी साइज नहीं पहुंच पाता है, खासकर निचली टहनियों में, घास वाली टहनियों में। यहाँ देख रहे हैं आप, इसलिए बागवानों और प्रूनरों से मेरी एडवाइजरी रहेगी कि भाई आप सर्दी में प्रूनिंग करते बार ऐसी निचली टहनियों को काट दे, हमें ऐसी टहनियों का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे ही लकड़ तैयार कर रहे हैं हम, जो हम न्यूट्रिशन खादे गोबर दे रहे वो भी ऐसे ही खा रहे, बेकार के खा रहे, कोई भी फायदा नहीं मिल रहा हम। कृपया बागवान ऐसी टहनियों को सर्दियों में अवश्य काटे, क्योंकि सर्दी में प्रूनिंग करते बार पता नहीं चलता कि भाई कौन टहनी काटनी कौन, क्योंकि आजकल बागवान अपने अर्चण में जाके देखे कि भाई कौन सी टहनी हमारी निचली है, घास वाली है, घास में बैठती है और बेकार टहनी है, और हमें इस फ्रूट में कोई भी फायदा नहीं है जो घास वाली टहनी में लगा होता है। निचली टहनी में कभी भी साइज नहीं बन पाता, यहाँ देख पा रहे आप, इस पूरे अड़चड़ में जितनी गर भी टहनियाँ नीचे है एक भी पत्ता नहीं बचा है, और ऊपर टॉप में देख रहे हैं आप बिल्कुल हरा भरा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल जो निचली टहनी होती है जमीन के साथ वाली, सर्दियों में बागवान काट दे, यहाँ देख पा रहे हैं आप, उसमें एक भी पत्तियाँ नहीं बची है, जो उसमें फ्रूट भी लगे थे वो भी बोरी में डालने पड़े बागवानों को, यहाँ देख पा रहे हैं आप, क्योंकि हमें ज़रूरत क्वालिटी फ्रूट की है, मार्केट में क्वालिटी फ्रूट ही बिकेगा। कृपया ऐसी निचली टहनियाँ बागवान प्रूनिंग करते बार निकाली दे, ना तो इन टहनियों में साइज बन पाता है, यदि फसल आई भी तो साइज बिल्कुल जीरो, और जो फ्रूट आता है फ्रूट भी बिल्कुल ख़राब हो जाता है, उसमें बिल्कुल ही कालापन लग जाता है। यहाँ देख पा रहे आप, ये पूरी निचली टहनी है और एक भी पत्ता इसमें नहीं रहा हुआ है, यहाँ देख पा रहे हैं आप, ये निचली टहनी है, इसका हमें कोई भी फायदा नहीं है। ये खाद गोबर जो न्यूट्रिशन दे रहे हम ऐसे ही खा रहा है, और इस टहनी का कोई भी फायदा नहीं टहनियों का, यहाँ देख पा रहे आप, खासकर निचली टहनियाँ जो घास में लिपटी हुई है, बागवान सर्दी में प्रूनिंग करते बार ऐसी टहनियों का, इस टहनियों में विशेष ध्यान दे। यहाँ देख पा रहे आप, इन टहनियों में ज़िंदगी में भी कभी साइज नहीं बनेगा ना क्वालिटी का फ्रूट आएगा, क्योंकि हमें ज़रूरत है क्वालिटी फ्रूट की, यदि हम क्वालिटी फ्रूट तैयार करते हैं तो अभी मार्केट में अच्छी कीमत में बिकेंगे, खासकर निचली टहनियाँ, यहाँ देख पा रहे आप, टॉप में पूरी तरह से पत्ते हैं, जो निचली टहनियाँ बिल्कुल सी पतझड़ में आ गई है। कृपया बागवान ऐसी टहनियों को सर्दियों में काट दे, यहाँ देख पा रहे आप, जानकारी अच्छी लगे तो शेयर भी करते रहें।